फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट साइन। मैं हूं प्रेरणा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वैकेंसी आया है 4 सालों के बाद, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पीआरटी का सिलेबस, ठीक है। एक एक्सप्लेन्ड वे में उसके बारे में बात करूंगी। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी आया है उसमें सीट तो अच्छी खासी है ही, उसकी तैयारियां, उसका सिलेबस कब कैसे क्या क्या करें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो सिलेबस दिया है वो क्या है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या किया है उन्होंने, जनरल हिंदी 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश 10 नंबर का उन्होंने दिया। उसके बाद हमारा जो है जनरल अवेयरनेस है, जीके है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, वो 5-5 मार्क्स का उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या किया है उन्होंने, पैडागॉजी सेक्शंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ टॉपिक 15-15 मार्क्स के हैं, कुछ टॉपिक 10-10 मार्क्स के हैं, 5 पार्ट्स में उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। पैडागॉजी सेक्शन पूरा इंक्लूड कर रहा है 60 नंबर का। उसके बाद आ रहा है हमारा जो एकदम स्पेसिफिक पेपर्स जो हमारा है वो, उसमें क्या कर रहे हैं, एक जनरल इंग्लिश फिर से है, ऊपर भी था पार्ट वन में, और जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी अगेन उन्होंने ऐड किया है, और मैथ्स एंड ईवीएस उन्होंने दिया है। क्योंकि हम प्राइमरी के टीचर्स बनने जाएंगे तो प्राइमरी टीचर्स को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है अप टू क्लास 5, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। तो इसलिए हमें ईवीएस भी कवर करना होगा, मैथ्स भी कवर करना होगा, हिंदी इंग्लिश भी कवर करना है ना। अब क्या है, देखिए, सबसे पहले जो मेरी खुद की प्रायोरिटी है, मैं जो करने वाली हूँ, हिंदी इंग्लिश सबसे अच्छे तरीके से तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। और पैडागॉजी 60 मार्क्स। और एक बात और, ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, ये तीनों पोर्शन टीजीटी में भी आएगा और पीजीटी में भी आएगा। तो हमें तैयारी कैसे करनी है, इतनी अच्छी करनी है कि यही तैयारी, ये जो तैयारी हमने करी है फॉर पीआरटी, वो टीजीटी में भी काम आ जाए और पीजीटी में भी काम आ जाए, है ना। तो तैयारी अपना बेस्ट, जितना अच्छा से हो सके अपना बेस्ट देना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, कुछ ट्यूशंस लेंगे, कुछ ऑनलाइन ट्यूशंस लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मेरा मानना है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप खुद से स्टडी करते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ट्यूशन से मदद मिलती है, टीचर से मदद मिलती है, नो डाउट, ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर उतना के बाद आप अपना खुद का प्रिपरेशन, खुद का रिवीजन खुद से नहीं कर रहे हैं, बैठ के वक्त नहीं दे रहे, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो तैयारी, पहले तो अपने आप को स्ट्रांग करना है कि मुझे करना है, एक टॉपिक चुनना है और पूरे दिन में उस टॉपिक को कवर करना है। मतलब कि डिसाइड कर लीजिए, मैथ्स का ये पोर्शन आज मुझे करना है, इंग्लिश का ये पोर्शन, हिंदी का ये पोर्शन, ईवीएस का ये, थोड़ा थोड़ा ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना ही होगा, धीरे लेकिन लगातार हम जीत जाएंगे। तो ये नौकरी हमारी है, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ आप भी तैयारी चालू रखिए, मैं भी तैयारी चालू रखती हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ नई जानकारियाँ भी मतलब इच्छा है कि हाँ मुझे इन विषयों में भी जानना है तो उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। मैंने जनरल इंग्लिश का स्पेलिंग टेस्ट पे कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, यू कैन चेक, ठीक है, वो वीडियोज़ आप चेक कीजिएगा। छोटा छोटा वीडियो है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एक बार आप वीडियो चेक कीजिए, और मेरा चैनल अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।